अंदर है और सबसे भ्रष्ट कोई विधायक है तो कृष्ण मिड्डा है, उसी की भ्रष्टाचार भी ये कहते हैं हमें आके कि भाई साहब हम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ से शाम को निकलते हैं तो कोई ना कोई लूट लेता, लूट खसोट। कहाँ पे राजनीति हो रही है, आप कॉलोनियों में जाओ। आम आदमी में इतना रोष है, आम आदमी ये कह रहा है कि सबके जुबान पे ये आ गया कि मिड्डा साहब टेंडर जब छुड़वाते हैं पहले उनका कमीशन पहुंच जाता है। ये हाथ से हाथ जोड़ो रैली हमने इसमें रखी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि फाटक खोल रैली उसका नाम रखना पड़ेगा। जारी बस आदर्श कर विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो जींद में मौजूद और जींद में क्यों हूँ, आप देख सकते हैं जो आपकी फाटक जो दिखाई दे रही है भाई, ये फाटक अब बंद कर दी गई है और यहाँ से है जो लोगों को है आने जाने में है बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल आप आगे देख सकते हैं जो आपको आगे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर धरना लगा हुआ है, अपना व्यापार छोड़ के आज व्यापारियों को धरना देने का विषय। जो ये शहर का पुराना रास्ता था जब से शहर बसा है, ये फाटक के नज़दीक से रास्ता है, ये बिल्कुल कंप्लीट बंद कर दिया है। यहाँ कोई पैदल यात्री निकल नहीं सकता। जो अंडरपास बनाया है वो फेलियर अंडरपास है, उसमें रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, चोरी की घटनाएँ घटती है और बारिश में लबालक भर जाता है। ये प्रशासन की नाकामी है, रेलवे विभाग की भी नाकामी है और चुने हुए प्रतिनिधि को नाकामी है। ये शहर के साथ जो अनदेखी की है ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं। अब शहर के लोग जितने व्यापारी हैं और जितने खाप के संगठन हैं, चाहे धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सारों ने हाजिरी रखी है और हमारे काफ़ी MC भी आए हैं और हमारे कांग्रेस के नेता भी, BJP के नेता भी और काफ़ी आप पार्टी के लोग भी आए हैं। ये साझा कार्यक्रम था धरने का और अगली रणनीति जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के करेंगे, चाहे इसके लिए प्रदर्शन करना पड़ो, चाहे इसके लिए शहर बंद करना पड़ो, चाहे इसके लिए इसका हमारे विधायक का या सांसद का घेराव करने की बात हो, तो उसके लिए तैयार हैं हम। आज चुप नहीं बैठेंगे और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और मैं विधायक जी को चेतावनी देना चाहता हूँ और मैंने विधायक जी को निमंत्रण भी दिया था, आप धरने में आएँ, वहाँ कोई पार्टी का झंडा नहीं हुआ, सारे पार्टी के लोग होंगे, शहरवासी होंगे, व्यापारी होंगे, धार्मिक संस्थाएं होंगी और हमारे सामाजिक संगठन होंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, चुने प्रतिनिधि हमारी वोट की कीमत नहीं समझे, जो धरने पे लोग बैठे थे उसकी वोट की कीमत नहीं समझते, या हमारे विधायक ने हमारे को दो भागों में बांट दिया। तो आज बहुत बड़ी रणनीति अभी बनेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, इसके लिए कुछ भी ठोस रणनीति बने। और जब हमारे खाप के जो आए हैं जिन्होंने मोदी को झुकाने का काम किया और उन्होंने वादा किया, एक ताल में ताल मिलाई है, एक नया भाईचारा व्यापारी और किसान का बना है, खापों का बना है और ग्रामीण और शहर का एक भाईचारा बना है, इकट्ठे होकर लड़ेंगे, कोई भी बड़ी रणनीति बनेगी आप देखना उस रणनीति में काफ़ी भीड़ होगी, काफ़ी शहर के लोग होंगे, एक रिकॉर्ड तोड़ उस रणनीति में हमारी भीड़ होगी। फाटक को लेकर के कितने महीने से समस्या झेल रही है? हमारी 6 महीने से गंभीर समस्या झेल रहे हैं और काफ़ी व्यापार हमारा चौपट भी हो गया, आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल चांदनी चौक है, यहाँ अनाज मंडी, लोहा मंडी, कपड़ा मार्केट, काट मंडी, हमारी सर्किट मार्केट, हमारी पालिका बाज़ार, सारे बाज़ार नज़दीक लगते हैं और वो बाज़ार सुनसान है, यहाँ गाहक इसलिए नहीं आता क्योंकि ये कंप्लीट रास्ता बंद है, अगर इस रास्ते से गुजरते हैं तो चोट लगती है। पैदल का रास्ता प्रशासन ने दिया नहीं, रेलवे विभाग ने दिया नहीं, चुने प्रतिनिधि ने हमारी अनदेखी की है, बहुत बड़ी मुख्य समस्या है। सांसद जी से भी बात की थी आपने? बिल्कुल, सांसद जी से बात की थी, 250 लोग उसमें मीटिंग में थे और सांसद जी ने एक ही बात कही, इसके फाटक के बारे में कुछ नहीं कर सकता, आपने पार्क लेना तो ले लें। और लिपापोती चल रही है, विधायक जी कह रहे थे मैंने चिट्ठी लिख दी, विधायक जी सार्वजनिक तो करे, कौन सी चिट्ठी लिखी, सांसद की चिट्ठी आई है, लेकिन चिट्ठियों से काम नहीं चलेगा, विधायक जी से और सांसद जी से और हरियाणा सरकार से हमारा निवेदन है जल्द से जल्द इस निर्माण कार्य को शुरू कराएं, क्योंकि रेलवे विभाग ने पल्ला झाड़ दिया। रेलवे मैं बताना चाहता हूं, अभी रेलवे विभाग इसमें एंट्री मार रहा है, तरह तरह के बयान कर रहा है, कह रहे थे भी चक्री लगाएंगे पैदल के लिए, चक्री लगाएंगे, एक बार वो चक्री लगाई दो, चक्री भी उखाड़ के ले गए, क्यों खामखाई लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? अब भ्रमित करने वाले भ्रमित नहीं होंगे लोग, अब तो सड़कों पे आ गए। जींद के विधायक को आपने करप्ट बताया कितना? बिल्कुल, इसमें ये तो सारा देश रुका मर है, उसके वर्कर रुके मर हैं, डॉक्टर मिड्डा जो कृष्ण मिड्डा है वो सारे चर्चा का विषय बने, सारे ठेकेदारों का चर्चा का विषय, भ्रष्टाचार का चर्चा का विषय, उसके पिता जो थे, जो मिड्डा साहब उसके पिताजी थे, वो तो उनका तो कभी चर्चा चली नहीं, वो तो ईमानदार थे, बेचारे शरीफ थे, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के भी बट्टा लगाने का काम किया। जी प्रमोद सिंह जी, आप क्या कहेंगे, आप मां को कितना जायज मानते हैं और जो विधायक? आज व्यापारी भाइयों ने ये धरना बुलाया और सारे व्यापारी, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और आम जनता इसमें आई।
मीडा साहब ने इस शहर को दो टुकड़ों में बांट दिया है। एक वो है जो हमारी माताएं बहनें कल वो शिकायत करी थी कि भाई वो बाजार में भी नहीं जा सकती हैं, व्यापारी भाइयों की जितनी दुकानें हैं जो करोड़ों रुपए की दुकानें थी आज वो बिल्कुल उनके रेट गिर गए हैं। ऐसे ही इन्होंने भिवानी रोड पर कर रखा है, भिवानी रोड पर जो अंडरपास बना रखा वो भी इतने गलत तरीके से बना रहे हैं कि रोहतक रोड के जितने मकान हैं जितनी कॉलोनी हैं उनके रेट गिर गए हैं। तो किस तरह से हर घर में आप ये आर्थिक नुकसान कर रहे हो, कहाँ पर आप व्यापारी की बात कर रहे हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 90 विधायक हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं और सबसे भ्रष्ट कोई विधायक है तो कृष्ण मिड्डा है, उसी की भ्रष्टाचार के कारण ये ऐसा ये अंडरपास बना है। आप देख सकते हो इस अंडरपास में कोई पैदल निकल ही नहीं सकता, शाम के वक्त यहाँ पर चोरियाँ होती है। रेहड़ी वाले भी ये कहते हैं हमें आके कि भाई साहब हम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ से शाम को निकलते हैं तो कोई ना कोई लूट लेता, लूट खसोट होती है, पैदल आदमी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। शमशान घाट यहाँ पर है शहर का, सबसे ज़्यादा लोगों को अंतिम जो उनकी यात्रा होती है शव को लेके जाते किस तरह से निकलेंगे, अंडरपास से निकलेंगे। आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं क्या विधायक जी का आज फर्ज नहीं था, ये तो कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। कंप्यूटर जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस नाते सबको बुलाया, लेकिन उनको आना चाहिए था, आश्वासन देना चाहिए था। और कोई ये दो चार महीने का काम नहीं है, इसमें कई साल लग जाएंगे और व्यापारी ऐसे ही परेशान रहेगा। आज सारी मार्केटें बंद पड़ी हैं, ऐसा हाल इन्होंने कर दिया। विधायक जी का कहना है राजनीति हो रही है इस बात को लेकर, कहाँ पे राजनीति हो रही है, आप कॉलोनियों में जाओ। आम आदमी में इतना रोष है, आम आदमी ये कह रहा है कि सबके जुबान पे ये आ गया कि मिड्डा साहब टेंडर जब छुड़वाते हैं पहले उनका कमीशन पहुंच जाता है, उनकी जेब में कमीशन पहुंच जाए तो टेंडर लग जाता है। और इस तरह से इतना लंबा अंडरपास सीधा भी बन सकता था, इसको जितना बड़ा अंडरपास बनेगा उतने ही उसका एस्टीमेट होगा, उतना ही बड़ा मोटा कमीशन होगा, ये है इसमें रोड़ा। आपकी मांग पूरी नहीं होती, अगली रणनीति क्या रहेगी? मैंने तो कहा है कि यदि मांग नहीं होती 20 तारीख को मैं पुरानी अनाज मंडी में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बुला रहा हूँ। ये हाथ से हाथ जोड़ो रैली हमने इसमें रखी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि फाटक खोल रैली उसका नाम रखना पड़ेगा। हम उनके माध्यम से भी सरकार को ये चेतावनी देते हैं, यदि आपने व्यापारी भाइयों आम जन मानस की बात नहीं सुनी तो बहुत बड़ा आंदोलन हम आपके खिलाफ करेंगे। सुनील जी क्या कहेंगे, धरने आज जैसे कि जारी हुआ है तो कब तक मतलब मांगे पूरी? मुख्य मुद्दा है सुधार के लिए जो पैसे आ रहे हैं वो लोगों की सुविधा के लिए। प्रधान कितना सहयोग धरने को मिलेगा? ऐसा जी, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल सुविधो इस धरने का पूरा समर्थन करता है और सहयोग करता है। जो ये आज अंडर पास बनने की मांग है ये बिल्कुल गलत है, इससे सारा व्यापारी यहाँ का चौपट हो चुका है। व्यापारी भाइयों को आपने मीडिया की तरफ से भी देखा होगा कि व्यापारी भाइयों की सभी दुकानें बंद है, आने जाने का रास्ता बिल्कुल ही बंद हो चुका है। हम तो व्यापार मंडल सुपिद्धो की तरफ से जींद हरियाणा व्यापार मंडल का पूरा समर्थन करते हैं और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, आगे की जैसी भी रणनीति होती है उनके साथ लेकर चलेंगे।